सो हे गाइस, मैं हूँ राहुल और मेरे चैनल प्रेडिक्शन गुरु राहुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के होने वाले धमाकेदार मैच की, जो कि होने वाली है इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान। दोस्तों, नाम से ही हमें यह पता चलता है कि एक तरफ बॉलर का अटैक है तो एक तरफ बैट्समैन का अटैक है, क्योंकि अफगानिस्तान में बॉलर राशिद खान और आपको इंग्लैंड में आपको एक पर एक धुरंधर बल्लेबाज हो जाते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज के मैच की कंफर्म पिच रिपोर्ट बताऊंगा, टीम रिपोर्ट, मैच एनालाइज और कौन सा टीम मैच जीतेगी ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ ड्रीम इलेवन का एक टीम दूंगा जो कि ग्रैंड लीग टीम होगी, हेड टू हेड टीम होगी। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपसे कोई भी अपडेट छूट ना जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, आज का मैच मैं करीबन 3 आवर पहले बना रहा हूँ, तो आपको क्या करना है कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है। आपको ऊपर में दिख रहा होगा @ प्रेडिक्शन गुरु राहुल, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक होगा, उस लिंक पे आपको सिंपली क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। ओके, तो आज की मैच देखते हैं। सो आज का जो मैच है वो है इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान, 14वां मैच है, यानी कि 14th T20 ICC मैच T20 वर्ल्ड कप मैच है। सो 14वां मैच होने के बाद यहाँ पे अब देखोगे तो ऐसे तो देखा जाए तो सुपर 12 का ये दूसरा मैच है और पूरे वर्ल्ड कप सीरीज को लोगे जो कि 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी उसका ये 14वां मैच है। सो देखा जाए तो दूसरा मैच हम इसे बोल सकते हैं। सो इस पिच की बात की जाए तो इसमें आपको पिच जो है वेन्यू है आपको पर्थ स्टेडियम, जो कि पर्थ में है, और इस मैच का लाभ उठा सकते हो आज हमारे टाइम के हिसाब से करीबन 4:30 बजे। एंड पर्थ स्टेडियम के बारे में आगे बात करूंगा, बताऊंगा पिच रिपोर्ट बताऊंगा, बट उससे पहले समझ लो कि इस मैच को आप कहाँ देख सकते हो। स्टार स्पोर्ट नेटवर्क एंड डिज्नी हॉटस्टार पे आप इस मैच का लाइव देख सकते हो। ओके, एक एक सेकेंड का भी कोई फर्क नहीं होगा, खासकर अगर आप चाहो तो स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर जरूर आप देख सकते हो। सो यहाँ पर बात की जाए पिच की, सो पिच जो है वो आपको फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है और जो भी टीम टॉस जीतेगी वो टीम बॉलिंग लेना इस पिच पे पसंद करेगी। ठीक है, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो इस पिच पे बॉलिंग लेगी। और दोस्तों, इससे अगर पहले वाला मैच अगर आप देखोगे ना तो सेम चीज़ हुई थी, मतलब कि इससे पहले जो एक मैच स्टार्ट हुई है न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाली, उसमें भी सेम चीज़ हुई है, जिसने टॉस जीती है उसने बॉलिंग ही लिया। सो जो रहता है हमेशा जो एक लक्षण होता है वही लक्षण पे सब चल रहे हैं, जो टीम टॉस जीती भैया वो टीम डायरेक्टली क्या करो कि आप ले लो बॉलिंग ले लो। सो चलिए आगे की रिपोर्ट देखते हैं। सो अगला जो रिपोर्ट है प्लेइंग इलेवन, सो प्लेइंग इलेवन अगर आप देखोगे तो जॉस बटलर आपको ओपनिंग करेंगे इंग्लैंड की टीम से, जॉस बटलर हो जाते हैं, एलेक्स हेल ओपनिंग करेंगे, जॉस बटलर टीम की कैप्टनसी संभाल रहे हैं और एलेक्स हेल फर्स्ट राउंड में आएंगे। उसका डेविड मलान हो जाते हैं बेन स्टॉक। दोस्तों, बेन स्टॉक के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं, इतने अच्छे प्लेयर हैं और आमने सामने भूमिका निभाते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। उसके बाद हैरी ब्रुक्स हो जाते हैं, लाइम लिविंगस्टोन, दोस्तों लाइम लिविंगस्टोन यार इनका जलवा सब देख चुका है IPL में और बहुत मारते हैं ये, अगर ये चल गया तो आपको ग्रैंड लीग जिताएंगे, तो एक ग्रैंड लीग पिक लाइम लिविंगस्टोन हो जाते हैं। मोइन अली का बैटिंग पोजीशन कोई फिक्स नहीं है, ये 3 नंबर पे भी आ सकते हैं, 4 नंबर पे भी आ सकते हैं, जैसे टीम को जरूरत होगी वैसे आएंगे, फिलहाल आप इसको 6 नंबर पे लेके चलो। ओके, बॉलिंग तो पूरा कराएंगे ये। सैम करन हो जाते हैं, क्रिस जॉर्डन, आदि राशिद, मार्क वुड। दोस्तों, इसमें से सैम करन जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग कराएंगे और यहाँ पे क्रिस जॉर्डन जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग कराएंगे एंड आदि राशिद मिडल ओवर संभाल लेंगे। यहीं पर अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान में तो यार हमें एशिया कप में हमें हर एक प्लेयर के बारे में अच्छे से पता है कि कौन सा प्लेयर कैसा फॉर्म में है। सो अफगानिस्तान में अगर आप देखोगे तो हजरतुल्ला जजई, जो कि अफगानिस्तान में अगर देखा जाए तो उन्होंने भी लगभग सही परफॉर्मेंस किया था हजरतुल्ला जजई ने, बट जो उससे अच्छा परफॉर्मेंस दिया था वो था रहमुल्ला गुलवाज, बेहतरीन फॉर्म में है। दोस्तों, ग्रैंड लीग पिक के साथ साथ हेड टू हेड स्मॉल लीग पिक भी यही है। उसके बाद विकेट कीपिंग संभालते हैं, विकेट कीपिंग का पॉइंट मिलेगा तो एक्स्ट्रा। इब्राहिम जदरान, डॉरिस रसौली, नजीबुल्ला जदरान हो जाते हैं आपको यहाँ पे ऑलराउंडर की भूमिका में। दोस्तों, वैसे तो नजीबुल्ला जदरान बैट्समैन है और बॉलिंग नहीं कराते, बट कभी कभी आपको ऑलराउंडर की भूमिका में देखने को मिलते हैं, बट बॉलिंग मैंने इनको कराते हुए नहीं देखा है। एंड यहाँ पे दरविश रसौली है जो कि खेल सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, खेल सकते हैं, अगर नहीं खेलते तो मैं आपको अपडेट करूँगा टेलीग्राम पे। और उसके बाद मोहम्मद नबी है, टीम के कैप्टनसी संभालेंगे, बॉलिंग में पूरे 4 ओवर कराएंगे और मिडल ओवर ये संभालते हैं, 6 ओवर से लेके 14 ओवर तक ये संभालते हैं और गज्जब संभालते हैं, मतलब कि विकेट भी चटकाते हैं इसके बीच में। राशिद खान के बारे में मुझे बताने की जरूरी है नहीं, ये एक ऐसे प्लेयर है जो आपको डेथ ओवर में भी बॉलिंग कराते हैं। ओके, और आपको मिडल ओवर में भी कराते हैं, जब इनकी टीम में जरूरत होती है, जब विकेट चाहिए होता है तो एक ही बंदा भी आता है, वो है राशिद खान। उसके बाद ओवर जजई है, जो कि फिलहाल मैं उनको आपको पिक करने को नहीं बोलूँगा, आप ग्रैंड लीग में ट्राई करो, हेड टू हेड में नहीं। मुजीबुर रहमान है जो कि विकेट टेकर है,
फरीद अहमद मलिक और फजलक फारूकी। सो दोस्तों फारूकी तो वैसे तो उतने कुछ फॉर्म में नहीं है, बट एशिया कप का स्टार्टिंग में दो मैच में उन्होंने गज्जब का परफॉर्मेंस दी थी। तो दोस्तों अगर आप ऐसा लेके चलते हो कि यार स्टार्टिंग में बंदा अच्छा खेलता है तो ट्राई कर सकते हो। वैसे हमारे पास बॉलर बहुत सारे हैं, मुजीब है, राशिद खान है, तो बॉलर हमें चूज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा भी नहीं। टॉप परफॉर्मर की बात की जाए तो टॉप परफॉर्मर हो जाते हैं आपको जॉस बटलर और इंग्लैंड की टीम से एंड सैम करन। तो इन दोनों को आप जरूर पिक करना, बैटिंग में जॉस बटलर और बॉलिंग में सैम करन इंग्लैंड की टीम से। ओके सो ये हो गई और इन दोनों को आपको चूज करना है और दोनों मेरे एक ही टीम से बताया, क्योंकि दोस्तों जीतने का चांसेस ज़्यादा आपको पता है इंग्लैंड के ही हैं, तो जितना ज़्यादा आप इंग्लैंड से लोगे उतना ज़्यादा आपके फेवर में रहेगा। सो ये हो गई। एंड पिच पर अगर कितने रन लग सकती है तो मैंने आपको बताया, बॉलिंग फ्रेंडली पिच है तो 164-165 तक इस पिच पे लगेगी। ओके सो विनर प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं कि कौन सा टीम मैच जीतेगी। सो देखो अगर आप लोग विनिंग पिक खेलते हो कि कौन सा टीम मैच जीतेगी टॉस जीतेगी, तो एप्लीकेशन लिंक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो टेलीग्राम पे पिन होगा, 3-4 एप्लीकेशन चेकआउट कर लेना, आपको 10,000 का बोनस एक एप्लीकेशन में मिलता है। सो विनिंग प्रेडिक्शन कुछ इस टाइप से है कि इंग्लैंड विन द टॉस एंड बॉल। अगर इंग्लैंड जीतती है और बॉल चूज करती है, इंग्लैंड जीतती है और बॉल चूज करती है, सो यहाँ पे अफगानिस्तान 150 से लेके 170 के बीच में ऑल आउट हो जाएगी और 40 से लेके 50 पावर प्ले में लगेगा। ओके चूंकि इनका जो अफगानिस्तान का जो स्टार्टिंग का जो बैट्समैन है वो हिटर है, तो वो मारते हैं, चाहे रहमुल्लाह गुलबाद हो जाए या फिर हजरतुल्ला जी जाए। सो 150-170 के आसपास लगेंगे, बट फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो इंग्लैंड विन द मैच। एंड अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान अगर टॉस जीतती है और बॉल लेती है, चूंकि दोस्तों जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बॉल ही लेगी, चूंकि भैया बॉलिंग फ्रेंडली पिच में बॉल ही लेना पड़ता है, तो अगर होता है ऐसा तो इंग्लैंड 160 से लेके 180 मारेगी, हो सकता है 90 भी मार दे, चूंकि इंग्लैंड में सबके सब भरे पड़े हैं। एंड इंग्लैंड विन द मैच। ओके और पावर प्ले में भी इंग्लैंड उतना ही मार पाएगी, क्योंकि इंग्लैंड के स्टार्टिंग में थोड़े से स्लो खेलते हैं। सो 160 से 180 तक मारेंगे और इंग्लैंड इज एक्सपेक्टेड टू विन द मैच। ओके सो ड्रीम इलेवन टीम प्रेडिक्शन की अगर बात की जाए कि कौन सा टीम हमें लेना चाहिए, तो लगभग सब सही है। एंड कुछ प्लेयर के रूल आउट हो गए हैं जिसको आप अपने पिक मत करना ड्रीम इलेवन में, ये सब आपको काम आएगा। तो कौन कौन से वो प्लेयर है आप पहले वो समझ लो। रिस टॉपली पूरे रूल आउट हो गए पूरे टूर्नामेंट से, तो उसको एंगल इंजरी हुई थी एंड टैमी मिल्स उनके जगह पे आए हैं, बट दोस्तों फिलहाल हमें ना तो हम रोज टॉपली को लेते हैं ना इनको लेते हैं, तो रूल आउट हुए, चलिए कोई बात नहीं। वेदर की बात की जाए तो ब्लॉक एंड क्राउड है, वेदर लगभग सही रहेगा, वेदर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद पिच कंडीशन बैलेंस है 157, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। टीम की बात कर लेते हैं। सो टीम विकेट कीपर बगल में देखो दिख रहा होगा आपको, जॉस बटलर और रहमुल्लाह गुलबाज, दोनों मैंने विकेट कीपर को लिया है, क्योंकि दोनों ही अच्छे फॉर्म में, फॉर्म के साथ ही हमें हमेशा जाना चाहिए। उसके साथ एलएसएल डेविन मलान, इब्राहिम जदरान। इब्राहिम जदरान आपने इनको देखा होगा, आप इब्राहिम जदरान की जगह पर नजीदुल्लाह जदरान के साथ जाएंगे, पर किसी एक जदरान के साथ जरूर जाना, क्योंकि इस दोनों में से कोई एक को मारने की कन्फर्म चांस है, कन्फर्म मारेंगे ये दोनों में से कोई एक। मोहम्मद नबी, वैन स्टॉक, सैम करन और ऑलराउंडर में है, तीनों बेहतरीन यार, वर्ल्ड के बेहतरीन ऑलराउंडर है। मोहम्मद नबी का आपने कारनामा तो देख ही लिया होगा एशिया कप में। उसके बाद वैन स्टॉक हो जाते हैं और सैम करन, सैम करन का आपने 100 में देखा होगा यार, गजब ये बंदा, मतलब सुनील नारायण से आगे चल रहा था, मतलब एक एक ऑलराउंडर से आगे चल रहा है, अभी एक बेहतरीन फॉर्म है। ग्रैंड लीग का एक बेस्ट पिक होगा सैम करन, आप इनके साथ जरूर जाना। उसके बाद हो जाते हैं आपको राशिद खान, मुजीबुर रहमान एंड आप एक और आप किस प्लेयर को ले सकते हो। सो एक प्लेयर मैं फिलहाल छोड़ के चल रहा हूँ एंड आप मार्क वुड के साथ जा सकते हो, मार्क वुड भी अच्छे डेथ ओवर बॉलिंग कराते हैं, तो मार्क वुड के साथ आप जा सकते हो। ओके सो ये हो जाती है हमारी आज की टीम। अब दोस्तों देखो ये वीडियो आप खुद देख लो, करीब 3 आवर पहले बन रही है, हो सके तो अपलोड होगी तो 2 आवर बची होगी, तो फाइनल टीम टेलीग्राम पे आती है, अगर टेलीग्राम पे जाके चेकआउट करो, हर एक इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे आपको अपडेट करता हूँ, जितना मैंने अभी आपको बोल के बताया सब मैं वहाँ पे लिख के बताता हूँ। सो ज्वाइन कीजिए हर एक इन्फॉर्मेशन के साथ, वहाँ पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, मिलते हैं इस वीडियो में, पप्पा का स्वागत है, लव यू ऑल।